हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कल का एपिसोड देखकर सभी के बीच में ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर मेहता साहब ने कागज के अंदर जो रुपए रखे थे वो आखिरकार कहाँ गए। अगर उस घर के अंदर कोई रहता तो उन रुपये को उठा सकता था, लेकिन वो घर तो काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है। सो गाइस, जाप जानने के लिए चलते हैं जहाँ से इस कहानी की स्टार्टिंग हुई थी। गाइस, कहानी की स्टार्टिंग हुई थी अब्दुल की शोड़ा शॉप से। सो गाइस, आपको बताते हैं कि रुपये उठाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अब्दुल ही है। गाइस, जब अब्दुल मेला मंडल और चंपक चाचा को लेकर उस स्वीट होम में जाता है तो उसे उस घर में कोई नहीं मिला होगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि वो उस नींबू के पेड़ के पास तो जरूर गया होगा। और जब उसे पेड़ के पास में एक कागज और पैसे मिले तो उसने उन दोनों को अपने पास रख लिया होगा। और जब इसके बाद चालू पांडे और सोसाइटी मेंबर वहां पहुंचे तो उन्हें वो कागज नहीं मिला। सो गाइस, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन कहती है, इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या मेरी प्रेडिक्शन सही है? आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन आता है उस पर प्रेस जरूर करें ताकि जब भी हम अपनी कोई वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी आपको मिल सके।